कोई शादी कोई कर सकेगा किसी के साथ? ये पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, सारी उम्र पुलिस वालों के ऊपर केस दर्ज करवाओ। इन्होंने कल रात के हैं, इनके अलावा इन्होंने कल रात के इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। कल रात पूरी कंप्लेंट करवाई, नाम लिखवाए, इन्होंने कुछ नहीं करा। प्रशांत जी कंप्लेंट करवाई थी तो अंदर फिर रात सारे। हाँ है हमारे घर के पीछे है, उनके ऊपर है। क्या क्या कुछ कारण था? किसलिए क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी? शादी मेरी बहन की कह रहे थे हमारे घर में करवा लो। बेटी की आज शादी थी लेकिन उस पर किस तरह से उन्हीं के पिता का दोस्त गंदी नजर रखता था। खुद शादी करना चाहता था, 40 साल का 18 साल की लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन जिसके चलते उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। कल नहर के पास शव बरामद होता है, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। इस समय जांच अधिकारी आप देख सकते हैं श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद है, पुलिस की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। सर क्या जानकारी लगी थी जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? क्योंकि एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला था जिनका पिता का कल शव बरामद हुआ था और आज बेटी की शादी थी। क्या कुछ जानकारी इस मामले में और क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये उसको 3 तारीख को रात को मैसेज मिला था कि नीरज नाम का व्यक्ति हो गुम हो गया सूरजनगर से, तो उसके पर्चा दर्ज करके तलाश की गई। तो कल करीब 11 बजे सूचना मिली कि उस 1 बजे करीब डेड बॉडी नहर में पड़ी है, तो वहाँ जाके कार्रवाई की गई। मामला पता लग गया, मामला ये है पता लग गया जो वारसान ने बताया भी इस नीरज ने अपनी लड़की का रिश्ता किया था पहले वहाँ शेखपुरा में, तो वहाँ से फिर वो हट गया था रिश्ता, लड़की ने मना कर दिया उसकी ज़्यादा एज थी, तो उसके बाद फिर ये लड़की का दूसरी जगह रिश्ता कर दिया जिसकी आज शादी थी। तो उन्होंने पहले ही रंजीशा ने ये कह दिया था भी इसकी शादी नहीं होने देंगे। जिसकी किस किसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है? ये दो व्यक्ति हैं। उनके पिता का दोस्त ही थे बता रहे हैं ये मालूम है, कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम था मरने वाले का? मरने वाला नीरज। नीरज आप देख सकते हैं सूरजनगर के रहने वाले थे, पुलिस इस समय मौके पर पहुंची है लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला था। किस तरह से कल बेटी चीख चीख कर गुहार लगा रही थी कि उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, पिता की हत्या कर दी जाती है। उस लड़की के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं सूखी थी क्योंकि आज ही उसकी शादी होनी थी लेकिन किस तरह से उसके पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो पिता के दोस्त हैं वही जो है अपनी दोस्त की बेटी पर कहीं ना कहीं गलत नजर डाले हुए थे, उससे शादी करना चाहते थे जिसके चलते आरोप ये है कि उन्होंने उनको घर से ले जाकर उसकी हत्या कर दी। और जो सूखी पड़ी नहर है कम पानी है जिसमें वहां पर जो है उनका शव जो है बरामद होता है। तमाम परिवार के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। घर का भी ना सोचा जिसने मेरे पति को मेरे परिवार को उजाड़ किया, जी मेरे हस्बैंड है वो जो मेरे जी में परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पिता की किस तरह से हत्या कर दी जाती है, पुलिस ने हालांकि हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बेटी पर किस तरह से उन्हीं का दोस्त जो है गलत नजर डाले हुए था, शादी करना चाहता था जिसके बाद तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल नीरज जी का शव बरामद होता है, आज बेटी की शादी थी, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या बताना चाहेंगे जी? सर उन्होंने इनको फोन मारा, हमारे भाई को उधर बुलाया, उसके बाद हम सोचे कि इधर चिट्ठी देने गया हुआ है तो इसके साथ मार पिटाई करी उन्होंने। वो बाकी होटल वाले भी उधर बाजू में होटल है वो लोग भी बता रहे हैं, पूरी कॉलोनी बता रही है। तो उस हमने इनको फ़ोन मारा, हमारा भाई कहाँ है, इन लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन का। तो बेटी की आज शादी थी इनकी? आज थी। तो क्या वो शादी करना चाहते थे? वो लोग ये बोल रहे थे, बोले ये लड़की हमको चाहिए, हम हमारी लड़की ने मना कर दिया था, ये लड़का मेरे पसंद नहीं। अब कार्रवाई चाहेंगे आप इस पर? मामला दर्ज हो गया? हाँ जी हाँ। तो मामला दर्ज हो गया है, हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और तमाम जो इस समय परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं परिवार लगातार ये कार्रवाई चाह रहा है कि पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करे। हालांकि तमाम परिवार के लोग इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक बेटी की आज शादी थी और पिता का जो शव है वो नहर से बरामद होता है। मामला दर्ज कर लिया गया, हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमल मिंडा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। देख सकते हैं शव वन यहाँ पर पहुंच चुका है शुगर मिल में। जी हाँ, शुगर मिल की नहर में एक नीरज नाम के व्यक्ति का शव बरामद किया जाता है और आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस की शव वाहन यहाँ पर पहुंच चुकी है। मामला जो है ये निकल कर आया है यहाँ पर कि नीरज की जो बेटी है उनकी शादी होने वाली थी, 2 दिन बाद ही शादी थी, घर में माहौल था खुशियों का लेकिन
पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, मातम का पूरा माहौल छा चुका है। बेटियां हैं सभी यहां पर पहुंची हुई है, पूरे परिवार में दुख का माहौल छाया हुआ है। उसके बाद यहां से बॉडी को निकाल लिया गया है, हालांकि नहर के अंदर से, और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहां से भेजा जाएगा। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं देख सकते हैं पूरा परिवार जो है यहां पर पहुंचा हुआ है, और परिवार वालों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है कि जो बेटी है जिसकी अब शादी होने वाली है 2 दिन के बाद, उसके कहा जा रहा है कि 40 साल के व्यक्ति जो प्रदीप है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जबरदस्ती शादी उस व्यक्ति के साथ करवाने की बात कही जा रही है। और उसके बाद नीरज जो पिता थे लड़की के, उनके ऊपर हत्या का कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस यहां पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम यहां पहुंच चुकी है, शव वाहन आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि यहां पर एफएसएल की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम के साथ साथ CIA 2 इंचार्ज भी मोहनलाल जी भी पहुंच चुके हैं, और यहां पर बॉडी को जो है अपने बरामद ले लिया गया है पुलिस की तरफ से, और यहां पर शव वाहन भी पहुंच चुकी है, और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को यहां से भेजा जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जाएगी, क्योंकि काफी गंभीर ये मामला है। इस तरह से इस नहर में जो है डेड बॉडी मिलना आप लोग देख सकते हैं, शुगर मिल की नहर जो कि सूखी हुई पड़ी है, और यहां से शव जो है बरामद होता है। नीरज नाम का जो व्यक्ति है उनका शव यहां से बरामद होता है, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, घर भी यहीं पास में ही नजदीक में ही घर है, और बताया जा रहा है घर जो है सजा हुआ है, क्योंकि घर में 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी बेटी की, और इस तरह से घर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। SHO गुरविंदर सिंह यहां पर पहुंचे सेक्टर 32-33 के, उनसे पूछते क्या कुछ मामला जो है संज्ञान में आया है। क्या लग रहा है सर, हत्या का मामला? मेरा बाप देखिए देखिए कल हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेट आवर्स में आई थी, और करीब 12-1 बजे के आसपास, तो हमने उसी समय इनके परिजनों ने जैसी इन्फॉर्मेशन दी, और उसमें हमने एक FIR लॉन्च कर दी थी, मिसिंग कंप्लेंट है। तो रात ही इनके मोबाइल भी बरामद हो गए थे, और उसके बाद सुबह जैसे इनके परिवार वालों ने बताया कि उनकी डेड बॉडी यहाँ इनके मकान के नज़दीक मिली है, तो मौके पर पहुँच गए थे, FSL टीम का विजिट करवा दिया गया है। तो इनकी जो प्राइमर हमें प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि भी उनका मर्डर ही किया गया, बाकी पोस्टमार्टम हमें इसका इनका करवाया जाएगा, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। हाँ जी हाँ जी, वो जो इनके शेखपुरा के ही हैं 2 व्यक्ति, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे कोई पुराना इनकी कोई इस टाइप की हुई थी, तो उस विषय में अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन। चोट के निशान भी है सर? चोट के निशान जी, उनके ब्लड मुंह में से आया हुआ है, कुछ हो सकता है नहर में पानी नहीं है तो क्रॉच वगैरह के निशान पे हो, तो पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें का खुलासा हो जाएगा कि कितनी चोट इनको लगी हुई है। सर जेब से भी कुछ मिला है? नहीं, कोई ऐसी चीज जैसे पैसे वगैरह लेकर कह रहे थे कि 1 लाख रुपए थे इनके पास जब निकले। नहीं, अभी तो हमें ऐसा अभी कोई ऐसी चीज इसमें बरामद नहीं हुई है। सर प्राथमिक तौर पर हत्या का लग रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो प्राथमिक तौर पर देखने पर SHO ने बताया कि हत्या का मामला यहां पर नजर आता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति के जो शरीर है उस पर चोटों के निशान भी देखे जा सकते हैं, कहा जा रहा है जो मुंह है मुंह से खून निकलता हुआ भी दिख रहा है, और देख सकते हैं जो परिवार है परिवार में मातम का माहौल छा चुका है। कहा 2 दिन के बाद शादी होनी थी परिवार में बेटी की, लेकिन इस तरह से पिता की मौत हो जाना, पिता का जो शव है घर के पास की ही नहर से बरामद यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर जो शुगर मिल वाली नहर है। तो मैं आपको मामला एक बार पूरा बता देती हूँ। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि करनाल में इससे पहले भी नहर के पास एक शव बरामद होता है, और वहीं अब शुगर मिल के पास यहाँ नहर में शव बरामद होता है। तो करनाल में इस तरह से 2 शव नहर के पास बरामद होना, पूरे शहर में खौफ का माहौल जो है एक छा चुका है, डर का माहौल छा चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है नीरज नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 40 के करीब बताई जा रही है, उनकी बेटी की घर में शादी थी 2 दिन के बाद, और ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति है प्रदीप नाम का, आरोप लगाया जा रहा है उनके साथ। कल जो है जाते हैं नीरज, और कुछ काम था, शादी वाला घर भी आप लोग देख सकते हैं, वो सामने जो है शादी वाला घर आप लोगों को दिख रहा है, घर की सजावट हुई हुई है क्योंकि घर में शादी होने वाली थी। और वहीं कहा जा रहा है कि जो जिस बेटी की शादी होने वाली थी उसी की शादी किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करवाना चाहते थे, 40 जिसकी उम्र थी, तो उसी को लेकर थोड़ी बातचीत रहती है। जो पिता होते हैं लड़की के वो धमका देते हैं, लेकिन जो आरोप है परिवार वालों को यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही मारा है। कल शाम को घर से निकलते हैं, परिवार वालों ने फोन पर भी बात
की कहा कि पापा आप कहाँ पर हो, तो वो कहा कह रहे थे मैं यही पास में हूँ, घर आ जाता हूँ। लेकिन वो घर पर नहीं पहुँचते हैं और आज जाकर उनकी सूचना मिलती है कि यहाँ पर उनका शव बरामद होता है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और SHO से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि प्राथमिक तौर पर हत्या का मामला ही लग रहा है, कुछ चोट के निशान भी देखे गए हैं। वहीं साथ ही साथ FSL की टीम भी पहुँच चुकी है। इसके बाद डेड बॉडी को लेकर जाया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए।